के नए ब्लॉग में। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो या तो अभी ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सो गाइज, टुडेज ब्लॉग इज रियली अम्यूजिंग। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, मस्त, इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग, सब कुछ होने वाला है। क्योंकि आज के ब्लॉग का जो टाइटल है ना, आप जैसे टाइटल सुनोगे ना का आप हंसने लगोगे। सो या ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप लोगों की मर्जी, आप लोग हंसना चाहो हंस सकते हो, नहीं हंसना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ब्लॉग का टाइटल है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जो टाइटल है वो है लिविंग अलोन इन द हाउस विद माय डॉगी। सो मतलब कि आज इस पूरे घर में मैं अकेले रहने वाली हूँ। क्योंकि तो मैंने सोचा, क्योंकि अगर मुझे अकेले रहना है तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि आप लोग भी देख सको कि अकेले रहने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो इसी बात पे मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अब ही ना मैंने ना ब्रेकफास्ट किया है, ना मैंने शावर लिया है, मैंने कोई भी काम नहीं किया है। तो अभी जाती हूँ मैं, पहले शावर लेंगे। और अभी पता है सुबह का 10 बज चुका है, मॉर्निंग का 10 हो चुका है, 10 टाइम हो चुका है, और मैंने अभी तक ना कुछ खाया है ना कुछ किया है। तो चलो सबसे पहले जाके शावर लेते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो और हाँ, मैं आपका जो मेरा पार्टनर है कुत्ता डॉगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रही है। तो चलो आपको दिखाते हैं कैंडी क्या कर रही है। तो ये कैंडी बेड के नीचे सो रही है, इसकी अलग अपनी दुनिया है। मतलब ये क्या ही बोलूँ इसको मैं। जैसा आपने देखा, कैंडी अपना आराम से विश्राम कर रही है, खाना खा लिया उसने, पानी भी पी लिया, और अब वो सो रही है। और तो चलो अभी ज़रा मैं भी रेडी शेडी हो जाती हूँ, मैं भी थोड़ा खा पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो चलो अभी मिलती हूँ मैं आपसे शावर लेने के बाद। सो फैमिली अभी ना मैं शावर आवर लेके बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और जस्ट अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो या अभी ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। और चलो तो आज मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में बनाना शेक बनाती हूँ। वैसे तो मम्मी या दीदी बनाती है मेरे लिए, पर अभी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो बनाना शेक बनाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। तो चलो मैं आपको भी सिखाती हूँ कि बनाना शेक कैसे बनाते हैं, मतलब एक अच्छा शेफ आपको आज सिखाएगा। तो चलो चलते हैं किचन में। सो गाइज, अभी ना अभी हम लोगों को बनाना शेक बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा करना है। मतलब सामान लेते हैं, तो जो अलग अलग चीजें हैं वो सब लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग बनाना चालू करते हैं।
इतनी मेहनत के बाद मेरा बनाना शेक बन चुका है और दिखने में तो अति उत्तम अति सुंदर लग रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पसीना आ रहा है मुझको, तो अभी चलो इसको पीते हैं और टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको कैसा बना। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा बनाया मैंने, मतलब क्या बात है, मतलब एकदम गजब का बनाया है। सो अभी ना मैं इसको पूरा फिनिश करती हूँ और उसके बाद जो मैंने किचन में रायता फैलाया है मुझे वो भी सबमिट वो भी साफ करना है, तो चलो इसको पीते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। Moments later. So family, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और सारा काम भी कर दिया है पर और अब मैं पढ़ी हूँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। सो अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है और तो चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं आगे। और जो मेरा डॉगी वो भी सो रहा है, वो मतलब सुबह से खत्म। सो गाइस अभी ना मैंने टाइम पास के लिए थोड़ा सा इंजॉय भी कर लिया है और कैंडी ने भी काफ़ी इंजॉय किया, वो अभी यहाँ पे बैठी है और अभी ना मुझे भूख लगाई है तो अभी मैं खाने जा रही हूँ फन फ्लिप्स, तो फन फ्लिप्स खाऊंगी और थोड़ा फ़ोन चलाऊंगी, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। वैसे अभी ना मैं पढ़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है अकेले अकेले, थोड़ा बोर सा फील होता है पर ठीक है चलो देखते हैं। अब कैंडी दिखाते कैसी, तो ये है कैंडी 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 तो अभी कैंडी तो सो रही है, वो सोती रहती है, तो चलो देखते हैं पहले इसको खा लेते हैं, ठीक है। अभी ना मैं कैंडी के बाल कॉम कर रही हूँ क्योंकि इसके बाल कॉम करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका हेयर कट हुआ है, इसके बाद इसके बाल बराबर काटने पड़ते हैं
क्योंकि वरना अगर फिर से ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो फिर इसका फिर से मुंडन करवाना पड़ेगा, इसलिए इस वजह से रोज काटने पड़े। सुबह से खाना नहीं खाया था तो अभी मैंने इसको डांटा, तो अभी ये खाना खा रही है, अपनी पेट पूजा कर रही है, तो चलो इसको खाना खाने देते हैं। और मैं सो हे फैमिली, आज का ब्लॉग ना यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये पागलपंती वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर करना, सब कुछ करना, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और थोड़ा सा बोरिंग भी लगा, बट ठीक था आज का दिन। तो आप लोग भी इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए।